नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां माकपा नेता मंगेश चौधरी ने चुनावी यात्रा को लेकर अग्रसेन धर्मशाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि लगातार क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर माकपा ने संघर्ष किया है। माकपा ने पिछले 5 सालों से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को जसाना गांव से जनसंघर्ष से जनादेश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। पत्रकार वार्ता में मंगेश चौधरी ने कांग्रेस व भाजपा दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने बीते 5 वर्षों में क्षेत्र की जनसमस्या को लेकर एक भी आंदोलन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को क्षेत्र की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, जबकि माकपा ने क्षेत्र की प्रत्येक समस्या को लेकर जमीन पर संघर्ष किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जाति पाति की राजनीति को बढ़ावा दिया है। मंगेश चौधरी ने कहा कि उन्होंने केवल और केवल संघर्ष की राजनीति की है। मंगेश ने बताया कि अगर विधानसभा चुनाव में माकपा कांग्रेस का समझौता भी होता है तो वे जनता के संघर्षों के लिए चुनाव मैदान में अवश्य उतरेंगे। इस स्थिति में उनका नारा होगा, ट्रेलर का निशान सीएम होगा। किसान कॉमरेड ने दोहराया कि विकास के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और सिंचाई पानी के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। मंगेश चौधरी ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के बलबूते पर क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा क्लेम दिखाया है। फसल बीमा क्लेम को लेकर उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बकाया 3000 करोड़ के फसल बीमा क्लेम को लेकर कांग्रेस व भाजपा ने आंदोलन करना तो दूर की बात, एक ज्ञापन तक अधिकारियों को नहीं दिया। मंगेश चौधरी ने आरोप लगाया कि बैंकों से कर्ज के मामले में सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। पूंजीपतियों के कर्ज माफ किया जा रहा, जबकि किसानों को नाम मात्र के कर्ज के लिए कुर्की के आदेश निकल जा रहे हैं। मंगेश चौधरी ने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने नोहर विधानसभा क्षेत्र में 1 इंच भूमि भी संघर्ष के बलबूते पर नीलाम नहीं होने दी। हजारों कुर्की की कार्रवाइयों को रुकवाया है। नोहर जिले के सवाल पर मंगेश ने कहा कि नोहर को जिला बनाया जाना चाहिए। अगर नोहर की जनता उन्हें मौका देगी तो नोहर जिला अवश्य बनेगा। हमने भी आज से 1 साल पहले नगर पालिका के आगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वेंदर के ऊपर 3 दिन से घेराव किया था। उस समय लिखित में समझौता हुआ था। पुराने जमाने में ये एक आदत होती थी कि राजनीतिक पार्टियों के नेता जो बात कह देते थे उस बात पर खरा उतरते थे, लेकिन उन्होंने जो समझौता किया वो कोई समझौता लागू नहीं हुआ। अभी नहरी पानी के अंदर चोरी का सवाल है, यहाँ थाना खुल गया। थाना खुलने के बाद जो चोरियां है वो डबल हुई है, ज्यादा बढ़ी है। मेरे को एक बात बताओ, अगर चोरी पांडुसर में होती हो तो थाना रोड खोलने का क्या फायदा? ये MLA के राज की पार्टी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में चोरियां ज्यादा होती है, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में अगर पानी की चोरी होती है तो रोड में थाना खोलने का क्या औचित्य बताओगे? मैं कुल्लम बुला कहता हूँ कि थाना खोलने के बाद चोरियां और ज्यादा बढ़ी है, वो बहुत खराब है। और भी आज भी लोगों को 60-60 किलोमीटर से चल करके नोर आना पड़ता है। उसके बाद शिक्षा के सवाल में हमारे यहाँ 2-3 नए कॉलेज आए, लेकिन आज भी राजकीय महाविद्यालय जो सबसे बड़ा महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय के 60% लेक्चर्स की सीट खाली है आज। उसके बाद में भ्रष्टाचार का जो सवाल है, आज हालात ये है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाओ तो बगैर पैसे के बढ़ता नहीं। नगर पालिका का भ्रष्टाचार सबके सामने है। पट्टा बनाने के लिए लोग सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। उसके बाद सवाल आता है क्षेत्र के अंदर पेयजल का। पूरी विधानसभा क्षेत्र में अभी सर्दी का समय शुरू हो रहा है, अभी भी आप रैंडमली किसी भी गांव में आप फोन करके पता कर लो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें शुद्ध पेयजल का पानी नहीं। हालांकि जल जीवन मिशन के नाम पर आप कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन हमने शुरू की है, लेकिन जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज भी जल जीवन मिशन जो है वो किसी भी चुनाव होने और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मैं CPIM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से यहाँ नोर विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिकृत प्रत्याशी हूँ। और आप सबको जैसा कि विदित है कि विधानसभा के चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों के लोग जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं टिकटों के लिए, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल के दौरान
जनता जिसको टिकट देती है, जनता के बीच जो रहे हैं वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के, वो उम्मीदवार हम रहे हैं, जनता के उम्मीदवार हम हैं। क्योंकि हमने 5 साल के दौरान जनता के फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के, नहरी पानी के सवाल को लेकर के, बिजली के सवाल को लेकर के, जनता के अन्य जहां भी लोगों के ऊपर जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी और मेरे तमाम किसान। हेलो हेलो, सही है, आ रही आवाज के? लेकिन हम जनता के बीच जाएंगे। एक बात कहना चाहते हैं कि जो आज से पहले जिन नेताओं की वितरण किन्नौर में कि चुनाव के टाइम में बढ़िया 5 जोड़ी कपड़ा समाया बैठनौर जो भी दिया मतलब पहन के कहता कपड़ा चुनाव लड़के जगह पर ले जाके सोचता उनकी दुकानें बंद कर। यहाँ वही आदमी नौर विधानसभा क्षेत्र में टिक पाएगा जो मेरी से ज्यादा जनता के बीच रहेगा, जो जनता के बीच रह करके लड़ेगा। जो जनता के बीच नहीं रहेगा, नहीं लड़ेगा, वो चाहे एक और दोनों पार्टियों के लिया होती है। अभिषेक मनोरंजन होगा तो दोनों जो टिकट है, कई लोग कहेंगे उसको टिकट मिलने से नुकसान, मैं खुद लोग अनिल टिकट दो बारी चेक कर बेरो नहीं हो, कोई आदमी आगे वो नुकसान करेगा, वो आगे हाथा धोली करे, वो जनता करे, वो मैंने चेक करके देखो, मैं तुमको अभिषेक जी को दो टिकट चेक करे करे 10 साल तक रेड है, क्या योगदान है, एक ऐसा काम नहीं गिना सकते नौ विधानसभा क्षेत्र में, जो काम तहसील लेवल का बड़ा काम जिसको विधायक के लेवल का काम हो जो गिना पाए, ये जो सड़क बनना, इंटरलॉक बनना, ये सब चीजें तो चाहे कोई विधायक बन जाए, आप किसी को बना दो, ये तो चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा काम गिनाए जो काम आपने 10 साल के दौरान करवाए, सिर्फ जाति पाति के नाम पर दोनों पोलिटिकल नेता चुनाव लड़ते हैं। मैं आपके बाद जब शिकुला करना चाहता हूँ, तमाम प्रेस के साथ बैठे मंगेश के चेहरे में और सभी तहसीलवासियों से जो आपको देख रहे हैं सबको कहना चाहता हूँ, मंगेश के चेहरे में मैं जाति पाति देख रहा, कोई अगर जाति के आधार पर मेरे को वोट देना चाहता है, मेरे को उस वोट की जरूरत नहीं, मैं वो वोट नहीं देना चाहता। मंगेश को वोट वो दे जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जायज लड़ाई के लिए लड़ता है, जनता के लिए संघर्ष करता है, जनता की जायज बात के लिए खड़ा मिलता है, जाति देख करके वोट देने की मुझे जरूरत नहीं। जाति पार्टी की वही नेता बात करते हैं जिनके पास फसल बीमा क्लेम की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो जनता के एजेंडे नहीं होते, वो जाकर के जनता के बीच में कहेंगे मैं थारी फलानी जाति को उठे मैंने वोट दे दो। जाति की बात कोई नेता बात करे जिसके पास एजेंडे की बात नहीं होती, हम एजेंडों के माध्यम से चुनाव करना चाहते हैं। हम कहते हैं डिबेट करो, 5 साल में हमने क्या किया, कितना लड़े, क्या क्या किया, हमने कितने जनता के लिए मुझे में कहे, आप डिबेट करो, चुनाव में जाके मालिक जाके भीतर जात का वो के फायदे हो, और पिछली बार भी पूरा चुनाव जाति हुआ था या कांग्रेस बीजेपी नहीं था चुनाव। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या कभी आपने देखा है कि कोई सड़क बने उस सड़क के अंदर ये लिखा होगी सड़क के ऊपर फला जाति के लोग चलेंगे, फला जाति के लोग नहीं चलेंगे? क्या आपने कभी देखा एक बीमा है उसके ऊपर लिस्ट लगी हुई हो कि इसके अंदर फलाना जाति के लोगों को बीमा मिलेगा, फलाना जाति के लोगों को बीमा नहीं मिलेगा? कभी नहर में पानी आया हो, कभी ये आपने देखा हो कि फलानी जाति के लोगों को नहर में पानी मिलेगा, फलानी जाति के लोगों को पानी नहीं मिलेगा?